हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज इस वीडियो सेशन में हम एंजाइम्स का अगला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो सेशन में पर्टिकुलरली हम दो फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगले वीडियो सेशन में हम अगले फैक्टर्स को स्टडी और डिस्कस करेंगे। सो हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, अगर किसी रिएक्शन में हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन में बढ़ोतरी मिलती जाती है। और अगर हम इसको ग्राफ के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस वेलोसिटी, तो जैसे जैसे एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी बढ़ रही है और हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। तो जितना भी सबस्ट्रेट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एंजाइम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बढ़ती जाएगी डेफिनेटली। सो हियर इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कि हम सीरम एंजाइम का डिटेक्शन करते हैं तो हमें डिसीज़ की डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। इसके बाद अगला जो फैक्टर है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन किसी रिएक्शन में बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, पर अप टू अ लिमिटेड रेंज, एक लिमिटेड रेंज तक ही वो बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम लिमिटेड है। और सबस्ट्रेट बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? एंजाइम भी बढ़ेगा तब रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। एंजाइम लिमिटेड है और सबस्ट्रेट ही अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वो सैचुरेशन आ जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पर बढ़ेगी नहीं। तो इस तरीके से इस कंडीशन में हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होती, बल्कि इसमें हमें एक हाइपरबोला कर्व प्राप्त होता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हम देख रहे हैं, इसमें हमें इस कर्व को हम हाइपरबोला बोलते हैं और इसे तीन भाग में हमने डिवाइड किया है, ए बी एंड सी। ए पार्ट क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है, एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कम कॉन्सेंट्रेशन में एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो हमें दिख रहा है। ए वाला पोर्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। वी वाले पोर्शन में अगर बी देखें हम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, टर्न हो रहा है। और सी में अगर हम देखें तो सी इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वो टोटली इंडिपेंडेंट हो चुका है। सो इससे हमें माइकलिस मेंटन को डिटेक्ट करने में हेल्प होती है और हम डिटेक्ट करते हैं कि क्या कहता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम काइनेटिक्स क्या कहती है। देखिए, ई इज़ फॉर एंजाइम, एस इज़ फॉर सबस्ट्रेट, पी इज़ फॉर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो एंजाइम है जब वो सबस्ट्रेट से कंबाइन हो रहा है तो K1 कांस्टेंट की प्रेजेंस में वो ES में कन्वर्ट हो रहा है और E प्लस पी K3 की प्रेजेंस में बना रहा है। अगर ये रिवर्सिबल जाती है तब K2 की प्रेजेंस में ये एंजाइम और सबस्ट्रेट में वापस टूट सकता है। यहाँ पर तीन कांस्टेंट हैं, K1, K2 एंड K3, जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इन तीनों की जगह एक कांस्टेंट लें तो वो KM हो सकता है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, K2 प्लस K3 अपॉन K1, क्योंकि K2 जो है वो वापस जा रहा है E प्लस S में और K3 जो है वो भी एंजाइम को फ्री कर रहा है। तो जब हमें फ्री एंजाइम के बारे में पता करना है इसलिए हमने कहा K2 प्लस K3 अपॉन K1, क्योंकि K1 एंजाइम को कॉम्प्लेक्स में, ये फ्री एंजाइम नहीं है, ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, जबकि फ्री एंजाइम के कॉन्स्टेंट कौन से हैं, K3 एंड K2। सो इसकी अगली रिएक्शन हम देखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी मैक्सिमम, मतलब जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन KM प्लस S, मतलब वी जहाँ पर जो है वो मेजर्ड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी को, एस जो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को और KM जो है वो माइकलिस मेंटन कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर अगर हम ये मान लें, एज्यूम करें कि जो मेजर्ड वेलोसिटी है वो आधी है मैक्सिमम वेलोसिटी के, तो इस इक्वेशन में हम वी की जगह ले रख सकते हैं हाफ ऑफ द वी मैक्स। ये हाफ ऑफ वी मैक्स इज इक्वल्स टू वी मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन KM प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होगा, तो क्या होगा,
कि एम प्लस सब्सिट्यूट कॉन्सेंट्रेशन इधर आया, वी मैक्स ऊपर था इधर नीचे आ गया, और जो टू नीचे था वो ऊपर चला गया। वी मैक्स से वी मैक्स कट डाउन हो गया, यहाँ पर बचा के एम प्लस एस इक्वल टू टू एस, एस को यहाँ किया, यहाँ प्लस में था तो इस साइड जाकर माइनस हो गया। यहाँ पर हमें मिली इक्वेशन के एम इज़ इक्वल्स टू सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब निकलता है? के एम इज़ एक्सप्रेस एज सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एंजाइमेटिक रिएक्शन। सो केम जो है वो यहाँ पर सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के इक्विवेलेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो क्या इंडिकेट कर रहा है। इट इंडिकेट्स दैट हाफ द एंजाइम मॉलिक्यूल आर बाउंड विद द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल व्हेन सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू केएम। मतलब ये दिखा रहा है कि इस कंडीशन में कम से कम हाफ एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल जो है वो सब्सट्रेट से कंबाइन हो चुका है। केएम जो है वो शो करता है मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। लो केएम वैल्यू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, बट हाई केएम वैल्यू रिप्रेजेंट वीक एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सब्सट्रेट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन निकल कर आती है। अब हम बात करते हैं लाइन वीवर वर्क प्लॉट की। डबल रेसिप्रोकल प्लॉट जो है इसमें डबल रेसिप्रोकल मतलब जो रिएक्शन थी उसको जस्ट हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। जैसे वहाँ पर वी था तो यहाँ पर हमने वन अपॉन वी, और जो ऊपर था वो नीचे जस्ट रेसिप्रोकेट हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन वी के एम के अपॉन में ये सारा प्लस एस के अपॉन में ये सारा, एस से एस कैंसिल हो गया, के एम अपॉन वी मैक्स इंटू वन अपॉन सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस वन अपॉन वी मैक्स। दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनी ये इक्वेशन हो गई वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। वाई जो है वो वन अपॉन वी हो गया, ए जो है के एम अपॉन वी मैक्स, एक्स जो है वन अपॉन एस प्लस जो बी है वो वन अपॉन वी मैक्स के बराबर हो गया। सो इस रिएक्शन को अगर हम प्लॉट करें तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये वन अपॉन वी और वन अपॉन एस कॉन्सेंट्रेशन में हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये माइनस पर आ रहा है वन अपॉन माइनस के एम, ये स्लोप है लाइन का के एम अपॉन वी मैक्स, और ये जो है वन अपॉन वी मैक्स बी है पोर्शन स्ट्रेट लाइन का। सो दिस इज़ द डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, क्योंकि ये भी रेसिप्रोकेट हुआ वन अपॉन वी, ये भी रेसिप्रोकेट हुआ, तो इसको हमने डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बोला। और दिस इज़ द लाइन वीवर वर्क प्लॉट भी इसको हम बोलते हैं। इसका यूज़ ये है कि इस ग्राफ की मदद से हम स्लोप निकाल सकते हैं, के एम निकाल सकते हैं, वी मैक्स निकाल सकते हैं, वन अपॉन वी मैक्स निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी वन अपॉन वी वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है जिससे हमें किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्ञात करना हो तो हम कर सकते हैं। एंड हियर स्लोप इज के एम अपॉन वी मैक्स हुज इंटरसेप्ट इज वन अपॉन वी मैक्स, ये निकल कर आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो इसको ध्यान से पढ़िए और ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।